करें, उससे पहले आइए करते मुलाकात बसंत साहब से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, दुर्गाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, हार्दिक बधाइयां सर। और सारे हिंदुस्तान के क्या, सारे अमेरिका को भी के सुधर जाओ और भगवान की चेष्टा करो, शेयर बाजार अपना चलाओ। इतनी दूर से आपने जो ये अनिश्चितता बनाई है, जबकि सारा ग्लोब अच्छा लग रहा है, तो इसमें कोई दो राय नहीं सर के दुआ और जिसे कहते हैं ना दवा, दोनों साथ है और इंडिया में ही मौजूद है, तो कोई दो राय नहीं। इंडिया इज गोइंग टू आउट परफॉर्म, अनिल जी तैयारी कर लो। और कल 9 शेयर ला रहे हैं, और मंदी वालों को भी अगले हफ्ते बुला लेना, उनको भी भेज लेंगे। आज आपने कौन सा तीर मार लिया जो 200 पॉइंट निफ्टी डाउन था, और ये सो आई कैन टेल यू द वर्स्ट इज प्राइस्ड इन अनिल जी। नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स वी स्टार्ट टू हेड अपवर्ड्स, लुक एट बैंक क्रेडिट, लुक एट मिस्टर केवी कामत, ही सेज Why should India be not upgraded when you are upgrading countries like France and UK which are in a deep recession? So, these agencies, the mat jaiye, they only come when water has flown under the bridge. I am extremely optimistic on India. Ek to main pehle hi bull hu aur ab aur bullish ho gaya. तो आप कहेंगे तो कल आपको नवरत्न जरूर दूंगा और चेष्टा भी दूंगा कि बने रहना। अगर 21,000 देखना है तो ये एक आध महीने की उतार चढ़ाव देखनी पड़ेगी अनिल जी। ठीक बात है, और रेटिंग एजेंसीज का तो हाल वैसे ही है, वसीम साहब जैसे फिल्मों में क्लाइमेक्स में होता है ना, सब कुछ हो जाने के बाद पुलिस पहुंचती है, वैसे ही है, सब कुछ बढ़िया हो जाने के बाद आखिर में आते हैं बाद में, ओहो हमें तो अपग्रेड करना था भूल गए, ओहो हमें तो डाउनग्रेड करना था रह गया। चलिए कोई बात नहीं सर, लेकिन हमारे बाजार बिल्कुल मजबूती के साथ अच्छा फिर से 17,000 पर, इतने कमजोर ग्लोबल माहौल में भी मजबूती के साथ डटे हुए हैं, टिके हुए हैं। बताएं सर पहले तो अपडेट्स और बाजार का आउटलुक। हाँ जी अनिल जी, तो अपडेट देखिए, आपको अशोक लीलैंड कहा था 58.5 बिक गया, 47, 48, 50 में कहा था शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक कीजिए। टाटा अल्ट्राटेक सीमेंट कहा था 6342 बिक गया, जो आपको 6162 में कहा था। आपको मैंने पीएनबी कहा था, अल्ट्राटेक, अपोलो टायर, कैनफिन देखिए आज अनिल जी ब्रेकआउट है, 520 से पहले रुकेगा नहीं टेक्निकल, ये 700 रुपए जाएगा, दिवाली की टॉप पिक है ये। अब आपके लिए दो पिक है, आप कहे तो मैं चलो दो भी तीन आप बना सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क कैपेसिटी, लेकिन बाय नो वे गेट फूल्ड बाय ग्लोबल क्यूज एंड एसजीएस बिकॉज इंडियन मार्केट्स आर हेडेड हायर। हाँ, अडानी पोर्ट भी एक था जो मेरा टॉप पिक था 815-20 पे, 810-15 पे, वो भी चल रहा है। तो अब आपके लिए तीन पिक्स है, आप कहे तो मैं शुरू करूँ अनिल जी। सर प्लीज बताएं सर, शुरुआत करें। तो अनिल जी सबसे पहले डीएलएफ लीजिए, आप आए तो आप देखेंगे कि रियल इस्टेट इज इन द बेस्ट प्लेस एवर। अगर कोई शेयर न्यू हाई पे जाने को तैयार है तो वो है डीएलएफ। आज एक महीना है, मैं आपको कह सकता हूँ 420 का भाव इसी महीने में आएगा, 348 का स्टॉप लॉस रखिए, 355 में लेने की चेष्टा करिए, पहला टारगेट 375। दूसरा बाय है फेडरल बैंक, 120 का भाव है, ग्रॉस नंबर डिपॉजिट्स आर द हाईएस्ट एवर इन फेडरल बैंक, और इसके नेट मार्जिन विल बी आई थिंक द बेस्ट एवर, क्योंकि इसकी नेट, इसके जो राइट बैक्स होंगे, इसकी पोर्टफोलियो की एनालिसिस ब्रिलियंट। तो ये इट इज हेडेड टू 127, स्टॉप लॉस ऑफ 116। एंड थर्ड इज माई फेवरेट जीएमआर, जो मैं अभी भी कह रहा हूँ कि एयरपोर्ट्स आर अ नो ब्रेनर, दे हैव रिड्यूस डेट इन पावर, दे हैव रेस्ड कैपिटल फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर, एंड एरो सिटी इज डूइंग ब्रिलियंट बिजनेस। 37.5 से 38 का टारगेट है, 34.5 का स्टॉप लॉस रखिए।